Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hey guys, I'm back with a very interesting video. Guys, आज इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले Asus Zenfone 5 के साथ Lenovo Z5. Guys, दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही बेस्ट प्राइस में बहुत ही एक अच्छा स्मार्टफोन है एंड एक दूसरे का काफी अच्छा कंप्यूटर माना जा रहा है 2018 में. So guys, आज इस वीडियो में इसी Lenovo Z5 एंड Asus Zenfone 5 इस दोनों स्मार्टफोन को कंपैरिजन करूंगा लुक्स वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज एंड प्राइस वाइज एंड बताऊंगा कि इस दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा होगा आपके लिए बेस्ट चॉइस. तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना. एंड तक देखने के बाद आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि इस दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा एंड कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड करता है 2018 में. तो आप देख रहे शॉर्ट भी ऐसा है, मैं नाम है राकेश. प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड गाइस लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. So guys, first of all, अगर Lenovo Z5 एंड Asus Zenfone 5 इस दोनों स्मार्टफोन के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात की जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन लुक, बहुत ही प्रीमियम डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा. फ्रंट साइड में एंड बैक साइड दोनों ही साइड में आपको फुल्ली ग्लास बॉडी सेटअप, सामने आपको फुल बेजललेस नो स्टाइल का डिस्प्ले, पीछे आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप अलोंग विद द फिंगरप्रिंट स्कैनर, दोनों ही स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही बेस्ट लुक्स के साथ. दोस्तों अगर इस दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो Asus Zenfone 5 में आपको मिलेगा एक 6.2 इंच का IPS LCD पैनल जिसमें आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन जो एक 19:9 एस्पेक्ट रेशियो का एक फुल व्यू डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा Asus Zenfone 5 में, एकदम नॉच डिस्प्ले आईफोन एक्स की तरह. एंड आपको Lenovo Z5 में मिलेगा एक 6.2 इंच का एक IPS LCD पैनल जिसमें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन जो एक 18.7:9 एस्पेक्ट रेशियो का एक फुल व्यू डिस्प्ले. सो गाइस डिस्प्ले के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन एकदम सेम, एकदम सिमिलर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा होगा दोनों स्मार्टफोन का. दोस्तों अगर इस दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट रैम रोम के बारे में बात की जाए तो Asus Zenfone 5 में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 का चिपसेट, इसके साथ वेरिएंट आपको मिलेगा एक 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और एक आपको वेरिएंट मिलेगा 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा स्नैपड्रैगन 636. एंड Lenovo Z5 में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 का चिपसेट, जो वेरिएंट आपको मिल जाएगा 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज. तो गाइस परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों ही स्मार्टफोन में आप जो सेम एकदम सिमिलर होगा, दोनों ही बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा इसी प्राइस में, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 फीचर आपको देखने को मिलेगा. सो गाइस अगर इस दोनों स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में बात की जाए तो गाइस Asus Zenfone 5 में आपको मिलेगा पीछे की तरफ दोनों कैमरा सेटअप, जो सेंसर होगा 12 MP विथ 8 MP. गाइस काफ़ी सारे AI फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा Asus Zenfone 5 में. एंड Lenovo Z5 में अगर बात करेंगे तो इसमें आपको पीछे की तरफ दोनों कैमरा सेटअप मिलेगा, जो सेंसर होगा एक 16 MP और एक सेंसर होगा आपको 8 MP. काफ़ी सारे AI फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा. गाइस अगर फ्रंट कैमरा के बारे में बात की जाए तो Asus Zenfone 5 में आपको मिलेगा 8 MP का फ्रंट कैमरा एंड Lenovo Z5 में आपको मिलेगा 8 MP का फ्रंट कैमरा. सो गाइस फ्रंट कैमरा के हिसाब से दोनों ही स्मार्टफोन एकदम सेम होगा, लेकिन रियर कैमरा के हिसाब से आपको Asus Zenfone 5 से थोड़ा अच्छा ही होगा Lenovo Z5. गाइस अगर बात करेंगे इस दोनों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको 8.1 आउट ऑफ बॉक्स ओरियो का एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिल जाएगा. गाइस अभी बात करते हैं इस दोनों स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में. सो Asus Zenfone 5 में आपको मिलेगा 3300 mAh का बैटरी, जो काफ़ी अच्छा होगा परफॉर्मेंस के लिए एंड टाइप सी पोर्ट से आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हो. एंड Lenovo Z5 में आपको मिलेगा 3300 mAh का बैटरी, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, जो आप टाइप सी पोर्ट से फास्ट चार्जिंग कर सकते हो. सो गाइस बैटरी के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन एकदम सेम सिमिलर आपको देखने को मिल जाएगा. सो गाइस यही थी स्पेशल वाइज कंपैरिजन. दोनों स्मार्टफोन में आपको पीछे रियर पैनल में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा एंड सामने आपको फेस आईडी देखने को मिल जाएगा दोनों स्मार्टफोन में, Lenovo Z5 एंड Asus Zenfone 5. गाइस इस दोनों स्मार्टफोन में अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस दोनों स्मार्टफोन एकदम सेम होगा. कैमरा ऑलमोस्ट दोनों स्मार्टफोन में सेम ही है, डिस्प्ले भी सेम है, सब कुछ नॉर्मली सेम ही होगा दोनों स्मार्टफोन में. सो गाइस Lenovo Z5 एंड Asus Zenfone 5 दोनों ही स्मार्टफोन अभी तक इंडिया मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा रूमर्स चल रहा है कि बहुत ही जल्दी इंडिया के मार्केट में लॉन्च होने जा रहे हैं. गाइस अगर प्राइस के बारे में बात की जाए तो Asus Zenfone 5 जो लॉन्च हुआ है इसका जो प्राइस रखा गया है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, इसका प्राइस लगभग 16,000 से 18,000 के आसपास एंड जो 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज इसका प्राइस होगा लगभग 21,000 के आसपास. एंड गाइस Lenovo Z5 जो लॉन्च किया जो प्राइस में इसका प्राइस होगा लगभग जो 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज इसका प्राइस होगा लगभग 14,000 से 15,000 के आसपास एंड जो 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज इसका प्राइस होगा लगभग 18,000 से 20,000 के आसपास. सो गाइस यही थी इस दोनों स्मार्टफोन के प्राइस वाइज
स्पेशल वाइज कंपेरिजन। थोड़ा प्राइस ज़्यादा ही होगा आसूस जेनफोन 5, लेकिन दोनों स्मार्टफोन एकदम सेम होगा, सब कुछ सेम होगा दोनों स्मार्टफोन में। गाइस अगर आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए इस दोनों स्मार्टफोन अगर इंडिया में लॉन्च हो जाए तो इस दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आप लेना चाहेंगे। एंड गाइस इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया पर। एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।